क्या हुआ? ये बताओ कि अस्पताल में इलाज मालजे के लिए पैसों का बंदोबस्त है? पता नहीं, अम्मी को पता होगा। मैं शायद याद नहीं, अब भी नहीं। सारी जमा पूंजी हमें दे चुका। समझ में आया पर तबसुम, यहाँ अस्पताल में आते के साथ ही लोगों का मीटर चालू हो जाता और अभी की हालत ऐसी है, इस वक्त के मामला बहुत सीरियस लगता है मुझे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अकबर? अल्लाह मेरे अभी खुश हुआ दे, वो ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, मुझे तो सिर्फ पैसों की फिक्र हो रही है। हम लोग तो अभी और सलाम के मकरूज हैं, फिर उनके इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? हाँ, तुम अपनी शमसा फुको से पूछो ना। मर जाऊंगी लेकिन उनसे पैसे नहीं मांगूंगी। देखो तबसुम, समझने की कोशिश करो, इस वक्त सबसे आम बात अभी का इलाज। मम्मी से बात कर। डॉक्टर साहब, मरीज की हालत कैसी है? पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, उन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ है। मैं इमरजेंसी में उनकी सर्जरी करना होगा। कब? अभी फौरन, एक दो घंटों में। कितना खर्चा आ जाएगा? इस तरह की सर्जरी में तकरीबन 6-7 लाख का खर्चा आ जाता है। आप तशरीफ ले जाएं ऑफिस, वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन प्लीज जल्दी करें, उनके लिए एक एक मिनट अहम है। मेरे अभी ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह, हम दवा कर रहे हैं, आप लोग प्लीज दुआ करें। इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? अम्मी, अभी के अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे भी नहीं है क्या? कहाँ से आएंगे पैसे उनके अकाउंट में? तो उन्होंने तो जेब झाड़ के सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। मुश्किल से 10-15 हजार होंगे उनके अकाउंट में। परवरदिगार, मेरे शरीक हयात को सलामत रखना। मेरी उम्र भी उन्हें लगा देना।